इसको तो कोई परवाह नहीं है, ना अपने देश से गद्दारी करी है, अपने बच्चों से ऐसे करिए, पर ऐसा नहीं है। मैं भी इंसान हूँ। बीबीसी को भी मैंने इंटरव्यू दिया था कि मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं इंडिया जाके घूमूं। अलामा इकबाल कहते हैं, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। तो सारा जहान ही हमारा है, और आपने बिल्कुल, आपका मुल्क है, और हम आपकी कदर करते हैं कि आप अपने मुल्क को याद करो यहाँ पे, और हम सेम इंशाल्लाह दुआ करेंगे कि आपके साथ हम भी जाएं वहाँ पे, हम वर्ल्ड कप मैच देखे, आप धोनी से मिले और मैं विराट कोहली से। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो और हमारी ये मोहब्बत है बढ़ते रहे। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मैं आपका दोस्त, आपका भाई ताहिर खान। तकरीबन पिछले हफ्ते से पूरे पाकिस्तान और इंडिया के सोशल मीडिया पे ये लोग छाए हुए हैं। आपने मेरे व्लॉग्स देखे होंगे, आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे, और मैं बार बार यही कहता हूँ कि हम सब खुदा की तख्लीक है, और प्यार मोहब्बत भाईचारा इसको फ़रोग मिलनी चाहिए। नफ़रतों को, लड़ाइयों को, इन चीज़ों से अब हमें निकलना चाहिए। मेरे साथ बड़े प्यारे दोस्त नसरुल्लाह बेटे हैं, और हमारी बहुत प्यारी बहन जो इंडिया से आई है अंजू, तो वो भी इस वक्त इस्लामाबाद TKR में बैठे हुए हैं। अंजू, सबसे पहले तो आपको वेलकम करते हैं पाकिस्तान में, फिर दीर में, और फिर इस्लामाबाद में। कैसा लगा आपको यहाँ पे आकर, किस तरह एक्सपीरियंस रहा? पॉजिटिव है, अच्छा है, अच्छा लगा, दीर भी अच्छा है, खूबसूरत जगह है, सही है। जो माइंड में था कि मैंने पाकिस्तान जाना है, नसरुल्लाह से मिलना है, वो सारी चीज़ें, वही पॉजिटिव सारी चीज़ें आपको मिली यहाँ पे। कोई मैसेज वगैरह देना चाह रहे हो? क्योंकि ज़्यादातर लोग नेगेटिव वगैरह चीज़ें वो ले रही है, तो क्या कहना चाहती हो? बिल्कुल ज़रूर, मैं एक्चुअली मैसेज यही देना चाहती हूँ, जैसे सबको यही लग रहा है कि मैं यहाँ की तारीफ़ कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं है, जो है वो बता रही हूँ। और इंडिया भी खूबसूरत है अपनी जगह पर, वो सारी एक ज़मीन है, ये बॉर्डर ये तो बाद में हुआ है जो भी है, और वो भी अपनी जगह बहुत खूबसूरत है। और मुझे ऐसा नहीं है कि इंडिया से मुझे प्यार नहीं है, मुझे इंडिया से बहुत प्यार है, और मैं इंडिया भी वापस जाऊंगी, हम अकेले भी जाएंगे, साथ में भी जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ, और बस यही है कि जैसे मीडिया ने जो अफवाहें बनाई हैं निगेटिव वगैरह इस टाइप से, कि मेरी एक फ़ोटो एक वीडियो जाती है, कि इसको तो कोई परवाह नहीं है, ना अपने देश से गद्दारी करी है, अपने बच्चों से ऐसे करिए, पर ऐसा नहीं है। मैं भी इंसान हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुछ अच्छा है यहाँ पे, लोग अच्छे हैं, बहुत प्यार से रहते हैं। यही मेरा मैसेज है सबके लिए कि प्लीज़ मेरे लिए थोड़ा सा पॉजिटिव सोचें, निगेटिव नहीं, मैं दुश्मन नहीं हूँ किसी की। अरे वाह, देखिए आप इंडिया से बिलोंग करती हो, और जिस धरती से बंदा बिलोंग करता है उसके लिए दिल में कभी भी ना बंदे की नफरत आ सकती है, ना कभी नेगेटिव थॉट्स आते हैं। वो आपका दिल और आपकी जो धरती है वो इंडिया है, और उसके हम सबको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आप वहाँ से आई हो, आपका एक रिश्ता है नसरुल्लाह के साथ, और मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि खुदारा बहुत हमने देख लिए नफ़रतें, झगड़े, जंगे, बहुत से शुहदा हमने देखे। अगर कोई दो बंदे प्यार और मोहब्बत पिला रहे हैं, तो उनको आप खुदारा ये ना कहे कि यार ये गद्दारी कर रहे हैं। अगर मोहब्बत गद्दारी है, तो मेरे ख्याल में फिर मैं भी गद्दार हूँ। अगर मोहब्बत सब ने की है, तो बॉर्डर है, जिस तरह मेरी बहन ने बात की कि ये बॉर्डर है हमने लगाई है इंसानों ने, बाकी धरती इंडिया भी देख ले। मेरा दिली ख्वाहिश है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये मैंने BBC को भी मैंने इंटरव्यू दिया था, कि मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं इंडिया जाके घूमूँ। वो अलग बात है कि हालात इस तरह है कंट्रीज़ के वो हम नहीं कर सकते। जी जी, बस यही है कि मैंने यहाँ आके ये भी देखा है, लोगों से मिली हूँ, काफ़ी लोगों से, यहाँ के लोग ऐसा नहीं है कि इंडिया को दुश्मनी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत प्यार करते हैं वहाँ के, बहुत तारीफ़ करते हैं, बहुत अच्छा है इंडिया, और बहुत अच्छा बताते हैं। मैं एक बार इसमें ऐड करवाना चाहता हूँ, अंजू बार बार यही पैगाम इंडिया के न्यूज़ चैनल को स्पेशली भिजवाना चाहती है कि अल्लाह के बंदों, मैं इंडियन हूँ और मैं अपनी धरती से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। आप हमें इस चीज़ों में मिक्सअप ना करें कि हम अपने, मैं अपनी धरती से मैं गद्दारी कर रही हूँ, या मैं अपनी धरती से मेरी मोहब्बत नहीं है। हर किसी को अपनी धरती से इतनी मोहब्बत होती है जितनी अपनी माँ से होती है। और ये आप खुशकिस्मती समझे अंजू की, कि अंजू पाकिस्तान आई है और पाकिस्तान में भी इनको इतना प्यार मिला है जितना
इसको इंडिया में मिलना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से आप लोग इन चीज़ों को निगेटिव ले रहे हैं। तो खुदा के लिए इसकी ज़िंदगी को आप और उलझनों में न डाले, इसको आप आज़ाद रहने दे, ये एक इंसान है, ये अपनी डिसीजन खुद कर सकती है। तो खुदा के लिए इनको पॉजिटिव ले ले, और ये यहाँ पे कैद नहीं है, ये कुल्लम कुल्ला घूम रही है, हर कोई इसके साथ पिक्चर्स बना रही है, वीडियोस बना रही है, और पूरी पाकिस्तान में अभी इस्लामाबाद आई है। इंशाल्लाह इनका इरादा है कि हम इसको पूरा पाकिस्तान दिखा दें और पूरी दुनिया को पॉजिटिव मैसेज दे दें। शुक्रिया। जिस तरह भाई ने बात की, तो ये मेरी बहन, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वो आपकी जो धरती है वो आपको भी अजीज़ है, और हम अवाम जो है ना सारे, हम एक ही जैसे हैं। हम ना किसी को दुश्मन मानते हैं और ना हमारा कोई दुश्मन है। अल्लाह ताला ने हम सबको बनाया है और हम सब आपस में बहन भाई है। आप यहाँ पे आई हो, और जिस तरह अंजू बहन ने कहा कि ज़्यादातर भाई ने भी इस पर बात की कि ज़्यादातर इंडियन जो हमारे लोग हैं तो वो एक नेगेटिव वे में ले रहे हैं कि गद्दारी की है। गद्दारी नहीं की है, प्यार किया है, और प्यार कोई गद्दारी नहीं होती, मोहब्बत कोई गद्दारी नहीं होती। उसकी धरती इंडिया है, ये वापस भी जाएगी, नसरुल्लाह भाई भी साथ जाएगा, ये दोनों वापस आएंगे। मैं यहाँ पे ये बात ऐड करूँ कि अभी वर्ल्ड कप आने वाला है, तो मैं स्टार्ट से मैं अप्लाई कर रहा था कि अब मुझे वीज़ा मिले इंडिया का, और मैं वर्ल्ड कप पाकिस्तान इंडिया का जो मैच है वो मैं देख सकूँ इंशाल्लाह। लेकिन ये जितनी भी नफरतें हैं और जितने भी ये मसले मशाकिल चल रहे हैं, मुझे वीज़ा नहीं मिल रहा। मैं पैसे दे रहा हूँ वीज़े के लिए, अप्लाई कर रहा हूँ लीगल तरीके पे, मैं वहाँ पे होटल भी सब कुछ, लेकिन ये जो मसले हैं ना, अब हमें क्या लेना देना इन मसलों से? मसले पता नहीं किसके हैं, हम आवाम बीच में फंसे हुए हैं। सर तो बहन, आपने बिल्कुल भी लोगों की परवाह नहीं करनी, आप दोनों सिंबल है प्यार के, मोहब्बत के, और हम आपको अप्रिशिएट करते हैं और आपके दिल से कदर करते हैं। जी भाई। सर आपने जिस तरह अभी वर्ल्ड कप की बात की, तो यकीन कर ले MS धोनी मेरा सबसे हार्ड फेवरेट खिलाड़ी है। मेरा विराट कोहली। और आपका विराट कोहली। तो इस तरह हम यहाँ पे इंडियन कल्चर को इतना फॉलो करते हैं, हमारी गाड़ियों में इंडियन, हमारी शादियों में इंडियन म्यूजिक चलता है, हम शाहरुख खान और सलमान खान, आमिर खान की फिल्में देखते हैं। हाँ। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन खुदा के लिए हमें नफरतों में ना डिवाइड करें, और बस जिस तरह मोहब्बत फैलाए। जिस तरह यकीन कर ले ताहिर भाई, जब से ये आई थी बहुत स्ट्रेस में थी, मैंने इसको आपकी दास्तान सुना दी थी। सर इस तरह आपको एक मोटिवेशनल स्पीकर है, और हमारे इलाके हैं हम इसको काफ़ी करते हैं, यकीन कर ले हम आपकी बहुत ज़्यादा फैन है। तो इसको मैंने ये बता दिया कि ये बहुत ज़्यादा खुश होगी, आप ज़रूर सर से मुझे मिलवा दें, ताकि हमें थोड़ा सा मैं बूस्ट हो जाऊँ इस मामले में, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही है। तो अभी आप कैसा फील करें सर से मिलने के बाद? ये जो हंसी है ना मुंह पे, किसी को भी ये इख्तियार ना दे कि ये हंसी आपसे छीन ले, किसी को भी ज़िंदगी में ये इख्तियार ना दे। और ये जो लोग बातें करते हैं ना, ये शोर है, शोर को बंदा वो तरजीह दोगी तो अपने कान ख़राब होंगे। जो लोगों ने कहना है कहने दे, आप सिंबल है, आप हमारे मेहमान हैं, खुश रहे, ये पाकिस्तान भी आपका है, हिंदुस्तान भी आपका है, ये पूरी दुनिया आपकी है। बस इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि दोनों देश में रहे। हम किस्मत हूँ कि मेरा इंडिया है। बड़ी बात है माशाल्लाह। इंडिया मेरे लिए मेरी माँ के बराबर है, वहाँ मेरा जन्म हुआ है, इसलिए मैं बहुत प्यार करती हूँ इंडिया से, ऐसी बात नहीं। और पाकिस्तान मेरा प्यार मोहब्बत। अल्लामा इकबाल कहते हैं, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहाँ हमारा। तो सारा जहान ही हमारा है, और आपने बिल्कुल, आपका मुल्क है, और हम आपकी कदर करते हैं कि आप अपने मुल्क को याद करो यहाँ पे, और हम सेम इंशाल्लाह दुआ करेंगे कि आपके साथ हम भी जाएं वहाँ पे, हम वर्ल्ड कप मैच देखें, आप धोनी से मिले और मैं विराट कोहली से। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो, और हमारी ये मोहब्बत बढ़ते रहे, और नफरतों को हम टाटा बाय बाय करें, और ये जिंदाबाद जो है ना, ये हम कहें कि जिंदाबाद दोनों तरफ से होना चाहिए, दोनों देश जिंदाबाद, दोनों आवाम जिंदाबाद, सारे खुश रहे, आबाद रहे। अल्लाह हाफिज़। आपसे दुआ करूँगा इंशाल्लाह, एक महीने बाद जाऊँगा, उधर काम करता हूँ। हाँ जी, मदीने पाक में, ठीक है, बहुत शुक्रिया। बहुत हमें जो है ना पता चला था आपका जो है ना, आप मालिक हैं, हमें मालिक वही है, वो तो मालिक रात की ज़ात है, वो तो मालिक रात की ज़ात है, ये बात हमें मानते हैं, लेकिन बहुत खुश हुई आपसे मिलकर, बड़ी खुशी हुई है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। अंजू को खुद देना कि वो लिखे, अंजू आप अपना साइन भी कर देना।
तो ये जिस तरह हमारे टीकर का फ्री तंपो, तो हमारी बहन अंजू जो हिंदुस्तान से आई है तो वो भी अपनी लक ट्राई कर रही है। देखिए बॉक्स तो हमारा फुल है, लेकिन चले बहन हम दुआ कर सकते हैं कि नाम आपका ही आए ताकि हम आपको दोबारा इन्वाइट कर सकें। ये मेरे बहन ने इंडिया वाला नंबर है, इसके साथ फिर कोड भी लिखना होगा। आप दिल से कैसे आओगे, मेरा नंबर लिख दे अल्लाह के बंदे। बंदा अपने मुल्क से निकल जाता है ना, लेकिन दिल से मुल्क नहीं निकलता। अभी भी इंडिया का जो फोन नंबर है तो मेरी बहन ने यहाँ पे, चले बहन अपने हाथों से यहाँ पे आप टोकन डालें। माशाल्लाह, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।